मंच पर तेज प्रताप यादव का पारा हुआ हाई, अपने ही कार्यकर्ता को भरे मंच पर दिया धक्का। रोकती रह गई दीदी मीसा, फिर भी नहीं माने तेज प्रताप। मारावड़ी देवी ने भी खूब समझाने की कोशिश की, फिर भी तेज प्रताप की अकड़ नहीं पड़ी कम। सत्ता चली गई लेकिन तेज प्रताप की अकड़ नहीं गई। बिहार के जिस पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से 2009 में लालू यादव चुनाव हार गए, साल 2014 और 2019 में उसी सीट से लालू यादव ने अपनी बेटी मीसा भारती को टिकट देकर मैदान में उतारा, लेकिन वो भी चुनाव हार गई। इसके बावजूद लालू यादव ने एक बार फिर अपनी बेटी को पाटलिपुत्र से टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। और सोमवार को जब मीसा भारती की नामांकन रैली हुई तो इस रैली में लालू यादव, रावड़ी देवी के साथ साथ तेज प्रताप यादव भी मंच पर मौजूद थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर तेज प्रताप यादव का इस कदर पारा हाई हो गया कि सरेआम मंच पर बवाल काट दिया। दरअसल पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ रही मीसा भारती की सोमवार को नामांकन रैली थी। परिवार का मामला होने की वजह से इस नामांकन रैली में लालू यादव, रावड़ी देवी के साथ ही तेज प्रताप यादव भी मंच पर मौजूद थे। इसी दौरान एक कार्यकर्ता तेज प्रताप यादव के सामने आ गया और हाथ लहराकर जनता का अभिवादन करने लगा। बस यही बात लगता है तेज प्रताप यादव को बर्दाश्त नहीं हुई, मंच पर ही पारा हाई हो गया। फिर क्या, आओ देखा नताओ, अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता को मंच पर धक्का दे दिया। बात यही खत्म नहीं हुई। कार्यकर्ता को धक्का देने के बाद एक बार फिर से गुस्से से लाल तेज प्रताप यादव उसकी ओर बढ़े और उसे डांटते नजर आए। ये बवाल जब हुआ उस वक्त मंच पर तेज प्रताप यादव की मां रावड़ी देवी और उनकी बहन मीसा भारती भी मौजूद थी, जिन्होंने तेज प्रताप यादव को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद तेज प्रताप यादव नहीं माने और उस कार्यकर्ता को हड़काते रहे। सरेआम मंच पर तेज प्रताप यादव ने एक कार्यकर्ता के साथ जिस तरह की हरकत की उसे लेकर सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। जितेंद्र प्रताप सिंह नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, तेज प्रताप यादव ने मंच पर अपनी ही पार्टी यानी आरजेडी के प्रदेश महासचिव को दो थप्पड़ भी लगाए और उसे लात मार कर नीचे गिरा दिया। उस वक्त मंच पर रावड़ी देवी और मीसा भारती मौजूद थी। ये नए जमाने के सामंत शाही है। हरियाणा बीजेपी के नेता अरुण यादव ने लिखा, ऐसा कौन करता है अपने कार्यकर्ता के साथ भाई, शर्म करो तेज प्रताप यादव। सूरज कुमार नाम के यूजर लिखते हैं, जंगल राज के राजकुमार, लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की गुंडई देखिए, अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता को मंच से धकेल दिया, अब उस डरे सहमे कार्यकर्ता का बयान आएगा। तेजू भैया दिल के बहुत अच्छे हैं, वो मुझे मार थोड़ी ना रहे थे, वो मुझे बड़े ही प्यार से दुलार कर रहे थे। रवि रंजन नाम के एक व्यक्ति ने लिखा, तेज प्रताप यादव ने मंच पर अपनी ही पार्टी यानी आरजेडी के महासचिव को दो थप्पड़ लगाए और उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। उस वक्त मंच पर रावड़ी देवी और मीसा भारती मौजूद थी। इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो मंच पर आ गए थे, मंच पर रावड़ी देवी भी मौजूद थी। राजेश सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा, इतना सम्मान, ये है तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बड़े वाले चारा पुत्र हैं। देखिए मंच पर ही एक अपने कार्यकर्ता का कितना सम्मान कर रहे हैं। इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो मंच पर आ गए थे, मंच पर रावड़ी देवी भी मौजूद थी, ये जनता का कितना सम्मान करते होंगे। पल्लवी नाम की एक यूजर लिखती है, सत्ता में नहीं है तो ये हाल है, अगर सत्ता में होते तो क्या होता, जब सत्ता में थी तब यही होता था। ये तेज प्रताप यादव है जो अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता को इस तरह से धक्का दे रहे हैं, यही तो है जंगल राज। राजेंद्र शुक्ला नाम के एक यूजर ने लिखा, विरासत में गद्दी तो मिल सकती है पर बुद्धि नहीं,
रावड़ी लालू प्रसाद यादव के बेटे ने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता के साथ हरकत सोशल मीडिया पर वायरल। सनद हो कि तेज प्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी आरजेडी के प्रदेश महासचिव को थप्पड़ लगाकर लात मारकर मंच से नीचे गिरा दिया। शर्मनाक। अपने ही कार्यकर्ता को सरेआम मंच पर धक्का देने वाले तेज प्रताप को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कोई कह रहा है कि विरासत में गद्दी मिल सकती है पर बुद्धि नहीं, तो कोई कह रहा है कि सत्ता में नहीं है तो ये हाल है, अगर सत्ता में होते तो क्या होता। तो वहीं बवाल बढ़ने के बाद खुद तेज प्रताप यादव ने इस पूरे मामले पर सफाई दी और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि ये जो कुछ लोग मेरा एक वीडियो वायरल कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ तो देख लिया आप सभी ने, दूसरी ओर हुआ ये था कि प्रत्याशी डॉक्टर मीसा भारती और मेरी माँ साथ में थे, दोनों के बीच में आके धक्का दे रहा था, मेरा हाथ पहले से जख्मी है और इनके द्वारा धक्का देकर आगे जाने के क्रम में असहाय दर्द महसूस होने पर मुझे खुद को बचाने के लिए अचानक से मजबूरन इनको साइड करना पड़ा। मेरी मंशा कहीं से भी किसी को भी आहत करने की नहीं रही है, जनता मालिक मेरे लिए सर्वोपरि है, जनता का मान सम्मान ही मेरा कर्म है। वैसे आपको बता दें कि मंच पर बवाल काटने वाले तेज प्रताप यादव के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी आरजेडी के खिलाफ बगावत कर दी थी। लालू रावड़ी मोर्चा के गठन का ऐलान करने के साथ ही जहानाबाद और शिवहर लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी उतार दिया था और अब पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ रही अपनी बहन मीसा भारती के मंच पर ही बवाल काट दिया। उनकी इस हरकत पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Yeah, I'm okay.